बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मीठे घिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कद्दू भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है आधा कप तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 4 से 5 लाल मिर्चें और इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इन मिर्चों को हम निकाल लेंगे और एक बर्तन में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा वॉच करें, ताकि कोई टिप्स और ट्रिक्स आपसे मिस ना हो। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बनकर तैयार होती है और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अचार का मसाला। तो एक चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच कलौंजी, एक चम्मच सौंफ और आधा चम्मच मेथी दाना, इन सबको हम दरदरा कूट लेंगे। इसको बारीक पीसना नहीं है, तो इसे हम आम दस्ते में इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके अंदर अब हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग। तो जो हमने मीठा घिया लिया था उसको हमने काट लिया है और जो उसके छिलके होते हैं उसे फेंकना नहीं है, उसे भी हम काट लेंगे इस तरह से। अब जो हमने प्याज फ्राई करने के लिए रखी थी इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो हमने इसके छिलके थे ये डाल देंगे। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर अचार का मसाला जो हमने अभी कूटा था, तो वो भी इसमें डाल देंगे। 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से हम इसी तरह पकने देंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो हमने मिर्च फ्राई की थी इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम चूरा कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं या किसी और टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम चूरा कर लेंगे। लाल मिर्च को हमने अच्छे से चूरा कर लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप खट्टा नहीं खाते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे चॉप किया हुआ मीठा घिया, या आप जो भी इसको बोलते हैं। इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे मिर्च और जो हमने मसाला ऐड किया था उसके अंदर, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ में इसमें डाल देंगे 1/2 गिलास पानी। एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम सीटी लगा देंगे, 2 सीटी लगा लेंगे इसके अंदर और फिर उसके बाद इसको चेक कर लेंगे। अब कुकर का ढक्कन हम हटा देंगे और इसे चेक कर लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा भी पानी है, तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारा घिया जो है वो गल गया है या नहीं गला। ये घिया हमारा गल चुका है, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। अब इसका हम पानी खुश्क हो जाने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। तो घी के अंदर जितना पानी है उसे हमें खुश्क करना है, तो मैंने आँच को तेज़ कर दिया है। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे तेज़ आँच पर। ये देखिए पानी जो है खुश्क हो चुका है और तेल तेल ऊपर आ चुका है। तो ये हमारा घिया बनकर तैयार है। इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको डिश आउट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दुआओं में ज़रूर से याद रखें। ये देखिए अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं उसको। आप नान, चपाती और परांठे के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।